नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धमन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से हीमोग्लोबिन लेवल बढ़ाया जा सकता है एक किडनी फेलियर पेशेंट के अंदर। किडनी फेलियर पेशेंट के अंदर खून की कमी होना ये एक आम दिक्कत है। जब हमारे शरीर में खून की कमी होती है तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन को हमें अननेसेसरी ही झेलना पड़ता है। सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन आती है वो है सांस फूलने की। चार कदम चलने पे, चार सीढ़ी चढ़ने पे अगर आपकी सांस फूल रही है तो पहला सिम्टम होता है कि आपके शरीर के अंदर खून की कमी हो रही है। दूसरी दिक्कत हमें क्या देखने को मिलती है कि कुछ भी काम करने पे हमें थकावट जल्दी हो जाती है, क्योंकि जैसे ही हम कुछ भी एक्टिविटी करते हैं तो हमारी बॉडी की जो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है वो बढ़ जाती है और हमारे ब्लड में इतनी ऑक्सीजन होती नहीं है, तो होता क्या है कि थकावट महसूस होती है पहले और फिर हमारा सांस फूलना शुरू कर देता है। सांस इसलिए फूल रहा होता है क्योंकि जब हम लंबी लंबी सांसें लेते हैं तो एयर ज़्यादा अंदर जाती है, ऑक्सीजन ज़्यादा अंदर जाती है और हम धीरे धीरे नॉर्मलाइज हो जाते हैं। तो ये दो सिम्टम होते हैं जो कि हमें खून की कमी के अंदर देखने को मिलते हैं। मगर ये खून की कमी आ क्यों रही है किसी भी किडनी फेलियर पेशेंट में वो भी जानना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हम जब पढ़ते थे तो हमने क्या पढ़ा था कि खून बनाने के लिए B12 चाहिए, आयरन चाहिए, फॉलिक एसिड चाहिए, प्रोटीन चाहिए, आयरन चाहिए, ये सब चीज़ें चाहिए। ये तो हमारे शरीर में है मगर फिर भी हमारा ब्लड क्यों नहीं बन पा रहा? इसका आंसर है एरिथ्रोपोइटिन। अगर किडनी को किसी टाइप का नुकसान होता है तो किडनी के सारे काम इफेक्टेड होते हैं, जैसे खून को साफ करना। अब खून साफ नहीं हो रहा तो क्रिएटिनिन यूरिया बढ़ रहा है। अब किडनी को नुकसान जब हुआ तो किडनी के जो एक और काम था वो था एक हार्मोन बनाना जिसका नाम है एरिथ्रोपोइटिन। एरिथ्रो मतलब ब्लड, पोइटिन मतलब उसे बनाने वाला। ये हार्मोन होता है, जैसे हमारे शरीर में इंसुलिन होता है जो कि शुगर कंट्रोल करता है, इसी तरह से हमारे शरीर में एक हार्मोन है एरिथ्रोपोइटिन जो ब्लड को बनाता है। अब अगर जब किडनी को नुकसान हुआ तो किडनी की जो सेल एरिथ्रोपोइटिन बनाया करते थे वो भी कम हो गए, तो शरीर में एरिथ्रोपोइटिन की कमी आनी शुरू हो गई। अब शरीर में बाकी सारा सामान है, आयरन भी है, प्रोटीन भी है, फॉलिक एसिड भी है, B12 भी है, बट एरिथ्रोपोइटिन कम है, तो कम होने की वजह से कम खून बन पाता है। मगर जो खून हमारी बॉडी में बना है वो 3 महीने रुकता है, 3 महीने के अंदर वो दोबारा से नया हो जाता है। तो वो मर तो रहा है, ख़त्म तो हो रहा है, मगर वो रीजनरेट नहीं हो पा रहा। तो होता क्या है कि हमारा जो ब्लड है पहले वो 10 होता है, फिर वो 9 होता है, फिर वो और नीचे 8, 7, 6 तक पहुंच जाता है, क्योंकि हमारे शरीर में बस एरिथ्रोपोइटिन की कमी देखने को मिल रही है। अब ये एरिथ्रोपोइटिन की कमी को हम खाने से पूरा नहीं कर सकते। आप बाकी सारी चीज़ों को पूरा कर पाओगे, B12 ले लो, फॉलिक एसिड ले लो, आयरन ले लो, प्रोटीन ले लो, ये सब हमें खाने से, मेडिसिन से, सप्लीमेंट से मिल जाएगा, मगर ये जो एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन है ये हमें खाने से नहीं मिल पाएगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है किडनी फेलियर पेशेंट में कि एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन बाहर से देना पड़ता है। जैसे अगर आपके शरीर में डायबिटीज़ है तो हमें इंसुलिन का इंजेक्शन लगाना पड़ता है, जबकि इंसुलिन भी हार्मोन है। इसी तरह से जब हमारे शरीर में एरिथ्रोपोइटिन की कमी हो जाती है तो हमें एरिथ्रोपोइटिन बाहर से लेना पड़ता है। खाने में हमने ध्यान क्या रखना होता है कि खाने के अंदर फॉलिक एसिड, B12, आयरन, प्रोटीन, ये सब हमारे शरीर में जाए, इनकी कमी होगी। अगर आप एरिथ्रोपोइटिन लगाओगे तो भी खून नहीं बनेगा। तो हमने ध्यान रखना कि सारी की सारी चीज़ों का सही जगह पर एक साथ मिलने से ही हीमोग्लोबिन यानी खून आपका बन पाएगा। किसी एक की चीज़ की कमी की वजह से भी जो आपने एरिथ्रोपोइटिन लगाया है वो भी काम नहीं कर पाएगा। तो डाइट आपने अच्छी रखनी होती है, एक बैलेंस डाइट रखनी होती है कि शरीर में किसी टाइप की भी कमी ना हो। और जिनको ये नहीं पता कि किडनी फेलियर पेशेंट को किस तरह की डाइट को फॉलो करना चाहिए, डाइट में क्या लेना चाहिए, किन चीज़ों से बचना चाहिए, मैं चाहता हूँ कि ऊपर दिए हुए लिंक पर जाकर वो जो डाइट पे वो कंप्लीट वीडियो है उसको एक बार गो थ्रू हो जाए, जिससे उन्हें बहुत क्लियर कट आइडिया मिल जाए कि किस तरह से हम क्रिएटिनिन यूरिया को डाउन कर सकते हैं और किस तरह से अपने हीमोग्लोबिन लेवल्स को सुधारा सकते हैं। अब एरिथ्रोपोइटिन हमें कितनी अमाउंट में लेना है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एरिथ्रोपोइटिन के दो टाइप आते हैं, एक आता है एरिथ्रोपोइटिन नॉर्मल प्लेन, एक आता है डार्कोपोइटिन। एरिथ्रोपोइटिन और डार्कोपोइटिन ये जो दोनों ही हैं ये दोनों भाई बहन होते हैं, आइसोमर्स होते हैं, तो किसी पे कोई अच्छा काम कर रहा होता है, किसी पे कोई अच्छा काम कर रहा होता है। एरिथ्रोपोइटिन जो है वो थोड़ा चीप सस्ता आता है, वो आपको 300-400 रुपए का इंजेक्शन पड़ जाता है 4000 यूनिट्स का। मगर वहीं पर जो हमारा डार्कोपोइटिन है मेरे ख्याल से 1200 से लेकर 2300 तक रुपये का आता है। तो आपको ये देखना होता है कि आपकी बॉडी पे क्या क्या काम अच्छा कर रहा है। अगर आपकी बॉडी पे एरिथ्रोपोइटिन अच्छा काम कर रहा है तो आपको डार्कोपोइटिन पे जाने की ज़रूरत नहीं होती। जहाँ पर एरिथ्रोपोइटिन अच्छा काम नहीं कर पाता वहाँ पर हम
डाइबोपॉइटिन सजेस्ट करते हैं कि आप डाइबोपॉइटिन का इंजेक्टेबल स्टार्ट कीजिए। तो आपने ध्यान के देना है कि स्टार्ट विद द एरिथ्रोपोइटिन, अगर वो काम नहीं करता तो डाइबोपॉइटिन पर जाएंगे। यूनिट्स का बात कर लेते हैं, यूनिट्स के बारे में एरिथ्रोपोइटिन की जो यूनिट्स होती हैं वो 4,000-10,000 यूनिट्स में इस तरह से आता है। तो आपने ये देखना होता है कि 4,000 यूनिट लेने पे अगर मेरा हीमोग्लोबिन लेवल मेंटेन हो रहा है तो 10,000 पे बढ़ जाएगा। मान लो मेरा हीमोग्लोबिन लेवल आज की डेट में 8 है, मैंने आज एरिथ्रोपोइटिन के 4 इंजेक्शन हर हफ्ते लिए, 4,000, 4,000, 4,000, तो टोटल मैंने 16,000 यूनिट्स एक महीने में ली। अब मेरा हीमोग्लोबिन तो 8 था, 8 ही बना, बढ़ा ही नहीं। तो ऐसे केसेस के अंदर हमें क्या करना पड़ता है कि एरिथ्रोपोइटिन की ही मात्रा को आगे बढ़ाना होता है कि इसे 10,000 ले जाओ। मात्रा ज़्यादा होगी तो हो सकता है कि हमारा हीमोग्लोबिन लेवल बढ़ना शुरू हो जाए। अगर हमारा हीमोग्लोबिन बढ़ना शुरू हो जाता है तो हम एरिथ्रोपोइटिन 10,000 की यूनिट्स को लेते रहते हैं। और अगर हम ये देखते हैं कि हीमोग्लोबिन फिर भी नहीं बढ़ा, फिर जाकर हम डाइबोपॉइटिन पे जाते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा कॉस्टली हो जाता है। दोनों ही अच्छा काम करते हैं, बॉडी टू बॉडी वेरी करता है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। कोई फिक्स रूल नहीं है कि हम ये देंगे तो अच्छा काम करेगा, ये देंगे तो वो अच्छा काम नहीं करेगा, ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है। तो बॉडी बॉडी और फाइनेंशियल चीज़ों को देखते हुए हमने आगे बढ़ना होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप काफ़ी कुछ समझ गए कि बॉडी में एरिथ्रोपोइटिन का होना एक किडनी फेलियर पेशेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। इसकी डेफिशिएंसी से आपका खाया पिया हुआ खाना हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा और इसको आप लंबे टाइम से इग्नोर नहीं कर पाओगे। जिन पेशेंट को इंजेक्शन से बहुत डर लगता है उनको मैं बताना चाहता हूँ कि ये बहुत डरने वाला इंजेक्शन नहीं होता, और मैक्सिमम केसेस में मैक्सिमम पेशेंट इसको क्लिनिक पे जाकर या हॉस्पिटल जाके नहीं लगवाते, घर पे ही लगा लेते हैं। जो पेशेंट डायबिटिक होते हैं वो इंसुलिन का इंजेक्शन खुद ब खुद लेते हैं ना, अपने पेट पे, बाजू पे, थाई पे, इसी तरह से डाइबोपॉइटिन का इंजेक्शन भी घर पे बैठे आराम से लिया जा सकता है। कोई खास प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत नहीं होती। ये सब क्यूटेनियस होता है यानी स्किन में लगने वाला होता है, तो आप इसे आराम से ले सकते हैं। अगर आपको फिर भी डर लगता है तो जब आप एक दो बार इस इंजेक्शन को लगवाएंगे तो खुद ब खुद सीख जाएंगे कि इसे लेना बहुत आसान है। इसके लिए हमें कुछ खास सावधानियों के लिए रखने की जरूरत नहीं पड़ती इन कंपेयर्ड टू अदर इंजेक्शंस। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप समझ गए होंगे कि एरिथ्रोपोइटिन एक किडनी फेलियर पेशेंट में कितना ज़्यादा ज़रूरी है खून बनाने के लिए, किस तरह से इसके टाइप को चेंज करते हैं वो भी आप काफ़ी हद तक समझ गए होंगे, और डाइट कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। फिर भी आपके माइंड में कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहते हो, हमारे डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, उनसे आप बात कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं। अब इसी के साथ आप सभी हमें चलने की आगे चाहूँगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।